मैं 1500 कोटी कोटी धन्यवाद करती हूँ हमारे पास्टर जी, हमारी मैम इतनी है कि हमारी माँ ने हमसे प्यार नहीं करा, हमारे भाई ने इतना प्यार नहीं करा, जो इन पास्टर जी ने हमें प्यार नहीं किया। धन्यवाद करती हूँ, वो मेरे से मतलब छोटे होंगे ऐसा लगता है, हमारे बड़े भाई हैं। हालेलुया। माँ का भी बहुत ज्यादा करा, जैसे कि वो अभी 4 दिन पहले इसी वचन के लिए वचन की तैयार होकर मैं सब तैयार था, और उस दिन से कितने साल से मेरे पास पास्टर जी 2-4 महीने से मेरे को सिखा रहे, मगर नहीं पास्टर जी का फोन आया मेरे पास, मत्ती 11:28 में लिखा है, ये सब परिश्रम करने वाले लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। ये सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कौन कहता है? यीशु मसीह कहते हैं, हमारे जिंदा खुदा कहते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ मसीह का, मेरे में इतने बोझ थे गरीबी के, शराब के, नशों के, बीमारियों के, मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। पहला बोझ तो मेरे पति का इतना था कि मेरे पति ने 12 साल शराब पी थी, वो बोझ उठा दिया, एक बार चर्च में जाने से ही वो बोझ को दूर कर दिया मेरे। अब 6 साल हो गई मेरे पति को शराब छोड़े हुए, 12 साल मेरे पति ने शराब पी थी, मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद कर जिंदा खुदा का धन्यवाद करती हूँ। मत्ती 11:28 में लिखा है, ये सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरा बेटा हुआ 3 बेटियों पे, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब मेरा बेटा 2 महीने का हो चुका हो गए और वो बीमार हो गया था, मैं डॉक्टरों के पास लेकिन उन्होंने कह दी थी जिंदगी भर इसको खून चढ़ेगा। मैं जो जब चर्च में गई, हमें प्रार्थना के अनुग्रह चर्च में आई और पास्टर जी ने मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करी, वो मेरे बेटे का खून बनने लगा, मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मत्ती 11:28 में लिखा है, सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। फिर उन दिनों में मेरे हार्ट की परेशानी हो गई थी और मैंने पंत हॉस्पिटल की दवाई खाई, 3 साल या 2.5 साल ऐसी कुछ खाई थी। जब मैं मसीह में फिर प्रार्थना में उसमें चर्च में आ गई, फिर पास्टर जी ने लिए मेरे लिए प्रार्थना करी, फिर मैं दवाई भी खाई मैंने कम से कम 3 साल, मैं पास्टर जी ने एक ही बार मेरे लिए प्रार्थना करी, आप दवाई को भी 4 साल हो गए छोटे हुए। इतनी गरीबी थी, इतनी गरीबी, जब 12 साल खराब पेगा बगैर 3 बच्चे होंगे तो क्या होगा। मैं सच बताती हूँ, हमेशा मैं यही गवाही देती हूँ कि गर्मी आती थी उसमें तो नींबू पानी कुछ भी मिला लो और मीठा पानी दे दो रिश्तेदार को, मैं अपने दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी कि मेरे पे रिश्तेदारों को, मैं दरवाजे पर खड़ी होती तो उस मीठे पानी को नहीं दे पाती थी, उस बना के दूध तो दूर है, पर मैं बनने से तो कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। यहाँ तो आत्मा कम है और भी डबल टिबल आत्मा हो जाएंगी, वो भी मेरे घर खा के आएंगी। आशीष दिए, मगर जिस दिन से परमेश्वर ने मेरे को पकड़ा, मगर मैंने उनको नहीं छोड़ा, मैं फिर से उसका धन्यवाद करूंगी। मत्ती 11:28 में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। धन्यवाद करती हूँ। 20 साल से 15 साल से मेरे भाई से बोल चाल खत्म थी, मेरे से नहीं, मेरे माँ बाप से, आजकल के लड़के कैसे करते हैं कि माँ बाप ज्यादा इज्जत तो बहनों को भी लपेट लेते हैं, तो बोल चाल नहीं थी। जब मेरा जीवन बदला यीशु में आके, तो मेरे भाई में प्रार्थना करती परमेश्वर, तूने जैसा मेरा जीवन बदला मेरे स्वभाव को, तो मेरे भाई को भी बदल दे परमेश्वर और उससे मेरे को मिला दे। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती, मेरे भाई को, भाई दोनों बहन भाइयों को हमें मिलाया और 1 साल मसीह में भी चला, फिर से आएगा, वो कहता है एक बार चर्चा आ जाए तो छोड़ूंगा इधर को। धन्यवाद करती हूँ मैं एक और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, फिर से पढ़ती परमेश्वर के वचन को। मत्ती 11:28 में लिखा है, ये सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और भी बोझ हटाया मेरा, मैं कम से कम 14 साल की थी उस टाइम, अब मैं जब थोड़ी थोड़ी सी नींद आ जाती थी मेरे को, ऐसा लग जाता था मेरे को किसी ने दाब दिया, और ऐसा लगता था कोई आके ना मेरे को हिला दे, उठा दे, पत्थर की तरह मेरे पे चढ़ दो, दिखता नहीं कुछ भी नहीं दिखता था। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, जब मैं चर्च में आई
ये चर्च से सारे काम हो रहे थे, ये कुछ तो नहीं कर रही, कोई भगवान नहीं कर रहा था, मैं वो भी मेरा बोझ हट गया, मैं संदेह हटा दिया, आज मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरी इतनी कमजोरी, इतनी चिंताओं में मेरी कमर न हो रही थी, आज सबके सामने मैं हस्त बंदर सिंह बना दिया, बनाया सबको बना दे, जैसे मेरे जीवन को बदला मेरे प्रभु, हर बहन भाई के जीवन को बदले, वो ऐसे बदलेगा, मगर जैसे मैं बता रही हूँ ना, मैंने वो छोड़ा नहीं, एक बार चर्च में घुस के अंदर कुछ 6 सालों को विश्वास, मगर मैं हटी नहीं, उसने मेरे हाथ को सर टाइट, आप भी पकड़ लोगे तो आपका भी उद्धार हो जाएगा। अब मैं यीशु के नाम में मैं पढ़ी नहीं, मैं उसमें कहता अच्छा बोलो, मैं कहती हूँ बहुत पढ़ी, मगर आप ना नए हो, तो मैं यीशु के नाम में पढ़ी हूँ नहीं, सही में पढ़ी हुई नहीं हूँ, मेरे परमेश्वर ने इतने पास्ट में इतने लिए मेरी प्रार्थना, मेरी मन से धोखा इतने पास्ट भी मैं नहीं दे पाऊंगी, गवाही भी नहीं दे पाऊंगी, मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हमारे पास्टर जी, हमारी मैम इतनी है कि हमारी माँ ने भी हमसे प्यार नहीं करा, हमारे भाई ने भी इतना प्यार नहीं करा, जो इन पास्टर जी ने हमें प्यार किया, हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ। ओह, मेरे संबंध में छोटे होंगे ऐसा लगता है, मेरे बड़े भाई हैं, हालेलुया, धन्यवाद। माँ का भी बहुत ज्यादा करा, जैसे कि वो अभी 4 दिन पहले इसी वचन के लिए बचन की तैयार हो, परमेश्वर तैयार कर, और उस दिन से कितने साल से मेरे पास्टर जी 2-4 महीने से मेरे को सिखा रहे, मगर नहीं, पास्टर जी का फोन गया मेरे पास, ये धन्यवाद करती हूँ, जो आँख नहीं होती तो अंधा होता है ना, मतलब रोशनी नहीं तो अंधा ही है, और जब मेरी आँख में ऐसी होती है वाली 2-3-4 साल पहले, इसमें से रोशनी चली थी बिल्कुल, और डॉक्टर ने कही आएगी आएगी नहीं आएगी, मगर मेरे अंदर ऐसा विश्वास था, नहीं परमेश्वर मेरे को तो तेरे वचन पढ़ रहे हैं, तेरे भजन गाने मेरे को, और मैं तेरे प्रचार करूंगी, तो मेरी तो दोस्ती तो लग सकता है, हल्का सा डर था, नहीं विश्वास भी था, और जैसे उन्होंने रिपोर्ट वगैरह जो भी करा उन्होंने, उन्होंने कही सर मेरी आँख बन गई तो बहुत मन एकदम बढ़िया, मेरे को बढ़िया चिंता को, गरीबी को दूर करा, जितने भी भाई बहन बैठे मेरे पर वो मेरे पर विश्वास करने लगे, उनका भी ऐसा ही हो मेरे प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद यीशु।